सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपने खिलौने वाला पाठ पढ़ा, उसमें बच्चों ने तरह तरह के खिलौने खरीदे। आज हम पढ़ेंगे ईदगाह। वहाँ भी मेला लगा है और उसका सारा साफ ध्यान से देखेंगे ईदगाह नामक पाठ का। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में बड़ी हलचल है, सबके ईदगाह जाने की तैयारियाँ हो रही हैं। बच्चे भी उत्साहित हैं, वहाँ मेला भी लगा है। मेलों में खिलौनों से लेकर मिठाई आदि सभी प्रकार की दुकानें लगी हैं। सभी बच्चे अपनी पसंद के खिलौने लेते हैं, लेकिन हामिद खिलौने न लेकर अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है, क्योंकि उसने देखा है जब दादी रोटियां तवे से उतारती हैं तब उनका हाथ जल जाता है। सब बच्चे खुशी से घर जाते हैं और अपने खिलौने दिखाते हैं। बच्चों के खिलौने उनको ठीक से रखते हुए अचानक टूट जाते हैं, परंतु हामिद का चिमटा सही सलामत है। वह जाकर दादी को चिमटा दिखाता है। दादी नाराज़ होती हैं। अंत में वह जब समझती हैं कि मेले में भी इसे दादी की याद रही, तब वह रोने लगती हैं और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती हैं और उनकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। तो आप पाठ के सारांश को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, फिर हम कुछ नए शब्द लेते हैं इस पाठ से संबंधित, जैसे रमजान, ईदगाह, कुर्ते, प्रसन्न, रोजे, खजाना, अनगिनत, मिठाइयाँ, बिगुल, पुरानी धुरानी, सहसा, चरखियों, कवायद, अदालत, सद्भाव, उंगलियां, खुड़कियां, बिस्ती, पसलियां, फकीरों, खंजरी, प्रभावित, प्रबल, तार्क, बावर्ची, दांदली, प्रलोक, गौरव में और बेसमझ। आप सभी ने शब्दों को शुद्ध उच्चारण के साथ कम से कम 3 बार अवश्य पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप नए शब्दों को अपनी कॉपी में अवश्य लिखेंगे और समय है तो इसका सारांश भी लिखने की कोशिश करेंगे। आज आपको यही काम करना है। धन्यवाद।